तो गाइस ये है हमारे यहाँ जो रहता है बच्चा, अब ये नाम अपना खुद ही बताएगा, नाम बता दो। राजू है मेरा नाम, और शिवा, केकू, वीर और बेटा अपना नाम बताना था, ये कार्टून्स के नाम बता रहा है। मेरा नाम रुद्र है, रुद्र। अच्छा ये जो भी कार्टून देखता ना, ये वो कहता है कि वो जो है मैं हूँ। शिवा देखेगा तो कहेगा मैं शिवा हूँ, और माइटी राजू देखेगा तो कहेगा मैं राजू हूँ। और किसी भी हथौड़ी देखो बेटा, है निंजा थोड़ी देखते हो, निंजा थोड़ी देखी कभी? हाँ। तो तुमने अपना हथौड़ी नाम रखा होगा फिर उस दिन। यस। या रील बना रही है, क्या कर रही है? रील नहीं बन रहा, यूट्यूब बन रहा है। अभी यूट्यूब बनाएंगे, फिर रील बनाएंगे, डांस करेंगे। ये अभी बता दो इन लोगों को, कौन सी क्लास में हो आप? नर्सरी है क्लास में हूँ। हाँ स्कूल का नाम? नहीं 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 स्कूल का नाम नहीं बताना बेटा, गंदी बात होती है, स्कूल का नाम नहीं बताते हैं। क्लास ही का नाम तो बताया। हैं? क्लास का नाम ही तो बताया। हाँ क्लास में, कौन सी क्लास में थे? नर्सरी है। नर्सरी में बहुत ही बदमाशी करता है, सुबह जब उठता है नहा ले, इसको जब नहलाया जाते, 4 साल का है ये, 5 साल का। हाँ 31 दिसंबर को इसका जन्मदिन है, इसका बर्थडे है, तो ये जो है पूरे 5 साल का हो जाएगा। और ये इतना चिल्लाता है सुबह उठता, सुबह हम लोग ना टाइम से उठ जाते हैं इसकी वजह से। ये सुबह उठता है, जब भी इसकी मम्मी नहलाती है इसको स्कूल जाने के लिए, इतना चिल्लाता है मम्मा नहीं मम्मा नहीं मम्मा मम्मा नहीं, पॉटी नहीं करता तो मम्मी को, मम्मा को बुलाता है, मम्मा धुल दो मम्मा धुल दो मम्मा फ्लश मार दो। ये बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा क्यों क्यूट हो इतने? अरे तुमको लिपस्टिक लग गई भाई। अरे बेटा अच्छी वाली लिपस्टिक मंगाई थी लेकिन फिर भी निकल जा रही, पता नहीं क्यों। लिपस्टिक लिपस्टिक बताओ बेटा, हैं? और बता दो ये क्या है जिस पे आप फोन लगाई है? ये स्टैंड है बेटा। स्टैंड? मेरे पास सेल्फी स्टिक है। सेल्फी स्टिक है आपके पास? फोटो तो लेते हो? है कितनी फोटो ली उससे आपने? मेरे पास इतनी कितनी जितना मेरा हाथ पहुंच रहा है उतनी मैंने सेल्फी स्टिक से फोटो ली थी। है कौन लेता है? आप ले तो मम्मा लेती है। मैं ये दिन भर कार्टून देखता रहता था, दिन भर किड्स स्टोरीज किस्ट वाली। क्या देखते हो बेटा यूट्यूब पे? यूट्यूब पे स्टोरी देखता हूँ और मैं देखता हूँ कार्टून। कार्टून देखता है और मैं गाना बजाता हूँ। और डांस कैसे करते दिखाओगे? ये इस पे चढ़ के डांस दिखा देगा ऐसे मेरा बच्चा। अरे तुमने जूते पहन रखे हैं, देखो डांस दिखाएगा ये। ये क्या कर रहा है? बस बेटा बस। बहुत अच्छा डांस किया बेटा आपने, कोई बेइज्जती नहीं, बहुत अच्छा डांस करते हो आप। और कुछ पोयम वोयम सुना दो, ऐसे लोग कहेंगे कि पोयम तो आती नहीं इसको। मुझे ट्विंकल ट्विंकल आती है। ट्विंकल ट्विंकल आती है आपको? हाँ। वही रटी रटाई हुई, चलो सुना दो फिर वही सुना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर एट यू आर, अब आप बताओ व्हाट शो है, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये हिंदी वाली को सुना दो अच्छी सी। हिंदी वाली? हाँ। और मुझे जॉनी जॉनी भी आती है। अच्छा जॉनी जॉनी भी सुना दो इन लोगों को, जॉनी जॉनी लोगों को कुछ नहीं आता है, सुना दो सब। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाइक नो पापा, अपनी माउथ हा हा हा। सही था? हाँ। है ना, मुझे भी नहीं आती बेटा। अच्छा और हिंदी वाली सुना दो कोई, मछली वछली वाली सुना दो, पोयम मछली जल की रानी आती है। मछली जल की रानी यहाँ आती है, आज सुना दो मछली जल की। पढ़े बचपन में बस। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, और सारा पानी पी जाएगी। मरने के बाद कौन सा पानी पिएगी बेटा? मरने के बाद वो तो मर गई ना। हाँ फिर उसको डाल दिया तो सारा पानी पी जाएगी। अच्छा और कोई आती है पोयम आपको? अच्छा कोई गेम कौन सा आपको, गेम कौन सा पसंद है बता दो, गेम देखो कौन सा खेलता है मेरा रुद्र? क्रिकेट इसको बहुत ज्यादा पसंद है। कोई है क्रिकेट खेलने वाला इसके साथ? खेलो आके भाई पार्क में, सामने हमारे घर के पार्क है, हैं कुछ यूज करो भाई, इसको खिलाओ आके। चलो अभी सब, अभी आपको कुछ कहना है? यस। क्या? मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और मेरे साथ कोई खेलता है और मेरी मम्मी खेलती है, मेरा भाई भी खेलता है। अच्छा सब लोग खेलते हैं आपके साथ, और फिर तो मजा आ जाती होगी आपको, हैं? और रोते कितना हो आप? थोड़ा सा मुंह देखें जरा,
थोड़ा सा वाला देखे, थोड़ा सा रोते थोड़ा सा रोते हो तुम बात बात पे ओ कैसे रोते दिखा दो दिखा दो ये रील्स बनाओ मेरे साथ। हाँ। हम लोग रील्स बनाएंगे। हाँ। रील्स पे मस्ती करेंगे हैं खूब सारी। हाय बाय। हाँ गाना कौन सा बताओ, गाना कौन सा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये हरदम यही सुनता रहता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरा वाला जमाई तेरी बर्थडे। बर्थडे पे कहाँ जा रहे हो, बर्थडे कहाँ मनाओगे? मैं अपने गांव में बना, गांव जाएगा बर्थडे मनाएगा अपने गांव में जाके। और इसको गांव बहुत पसंद है क्योंकि वहां पे बुक्स नहीं है, कॉपियां नहीं है, पेन कुछ भी नहीं है, तो इसको पढ़ना नहीं पड़ता। नहीं मेरे पास पेन है पर बुक्स नहीं है, बैग भी है मेरे पास। हाँ वहां पे पढ़ना नहीं पड़ता ना लेकिन बेटा, इसलिए गांव अच्छा लगता होगा। मेरा स्कूल नहीं है, गांव इसलिए अच्छा लगता ना आपको। कितना काम चोरी करते बेटा, पढ़ना नहीं चाहते क्या? भोजपुरी आती है आपको? भोजपुरी वो नहीं बोला तनी, भोजपुरी बोला हैं बोल दा मुझे। पहले आप हम सब रील बनाएंगे कब? हाँ तो रील बनी बा हैं। अरे चलो रील बनाएंगे बाकी नहीं बोलो ना, तू काहे भी का बोलत। चलो चलो रील। हाँ समझ गया ये सिंपल है, भोजपुरी हिंदी जैसी है बिल्कुल। चलो तो क्या करिए बताओ, रील बनाया जाए? और ये देखो समझ रहा है भाई, भोजपुरी सबको आती है, तो इतना छोटा सा बच्चा समझ रहा है। बड़े लोग बोलते हैं हमको तो भोजपुरी नहीं आती है लेकिन फिर भी गाने सुन लेते हैं, ठीक लगता है। और बताओ और बताओ मेरा और कुछ बता दो अपने, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, कुछ बता दो। मेरे मम्मी मुझे थोड़ा सा मारती है पर मैं रोता नहीं, जब चाची बातें तो मैं उनको बता देता हूँ। चाची से बता देता है और मम्मी पापा से भी, डैडी से बता के है ना, डैडी से शिकायत करते मम्मा जी? मुझे यहाँ बैठना है। अच्छा इधर बैठना बैठ। हाँ। कोई बात तो छुटंकू हो जाओगे थोड़े से, चलो कोई नहीं। ये डैडी से जो है अपनी अपनी मम्मी की शिकायत बताता है, इसको कोई भी खिलौना चाहिए होता है तो ये इसको मम्मी को बोलता है, मम्मी नहीं दिलाती तो ये अपने डैडी को बताता है, डैडी मम्मी डांट लगाते हैं फिर इसके खिलौने आ जाते हैं, है ना, है ना। अच्छा ये बढ़िया तरीका है। आज एक दिन मैं सूटकेस के लिए डैडी से बताया था। हाँ। और नहीं खरीद रही थी मेरी मम्मी इसलिए मैं डैडी से बताया था, बोले कि उसको तुरंत सूटकेस दिला के दो, तो वो डर गई और मुझे सूटकेस दिला के ले आई। शाबाश वाह शेर वाह। और मैं अपना हीरो बन के दिखाता हूँ ये। तो गाइज ये थे हमारे जो है नीचे रहते हैं, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही क्यूट है और इसका नाम है रुद्र। और ये जो भी कार्टून देखता है ये उसी नाम का बताना, मैं इससे पूछूंगी नाम बता तो कहेगा रुद्र नहीं बोलेगा, बाकी सब राजू शिवा है ना, और क्या क्या बोलते हो? राजू कीकू कीकू पीकू पता नहीं क्या क्या बोल देता है। कीकू कभी रुद्र। हाँ, हाँ, मोगली। मोगली नहीं वीर। मोगली नहीं देखता है, मोगली बस हम मोगली हैं। तो ये जो वीर, है ये सारे वीर वीर वीर, वीर द रोबो बॉय और भीम 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 भी है ये। तो ये जो है सबके नाम बता देगा लेकिन ये अपना असली नाम नहीं बताएगा किसी को, है ना, ये अंडरवर्ल्ड का डॉन है। मेरा गांव का नाम है कबीर। कबीर? कबीर नहीं, मेरे गांव का नाम है कबीर। कबीर? हाँ गांव का नाम है। अच्छा इनका कबीर। कौन सा कार्टून है बेटा ये तो बहुत दिन हो गए देखते हैं। अच्छा तो ये भी कार्टून ही है? अच्छा ये भी कार्टून है, ये केवल कार्टून? नहीं कार्टून नहीं है ये, तो मेरी मम्मी पापा ने रखा था। अच्छा 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 अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। मम्मी तो तुमको बेटू बोलती है? बेटू बोलती है पर पापा भी बेटा बोलते हैं। चाचू ये मेरा विशाल भाई जो है वो नहीं, मेरा जो देवांश भाई और सिप्पू भाई है। हाँ। और वो मुझे कभी कह के बुलाते हैं। कभी कहते हैं आपको? अच्छा बहुत सुंदर नाम है ये तो, वाओ ये। अब रील बनाए चलो। आपको आपका फेवरेट नाम इसमें से कौन सा है? शिवा। शिवा इनका फेवरेट नाम है। ये जब आए थे शुरू शुरू में तो हमने इनसे पूछा था आपका नाम क्या है बताइए, तो ये बोल रहे थे शिवा। तो गाइस जो है ये थे हमारे रुद्र महाशय जो कि हमारे यहाँ नीचे रहते हैं। नाक कहाँ तुम्हारे तो मुंह नाक सब एक में है क्या? सब हाथी फिर मुँह बता रहे अब रील बनाए चलो। हाँ रील बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और रील इनके साथ थोड़ा सा रील बनाएंगे। पता नहीं मम्मी क्या बना रही हैं पर फिलहाल हम लोग रील बनाएंगे। सॉरी तो हाँ सॉरी
कोई बात नहीं बेटा, अपने हैं सब, इट्स ओके। अरे सॉरी बोल रहे भाई। सॉरी ये माइक है बेटा। क्या माइक? माइक माइक मतलब माइक इसमें बोलते हैं, ये देखो छोटा सा माइक है इसमें। तो गाइज हम जो है अब फिलहाल जो अभी थोड़ा सा इनके साथ रील बना लें, तो इसके बाद जो है मैं जाऊंगी वीडियो शूट करने अपनी, ठीक है। मुझे अपनी वीडियो भी शूट करनी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मतलब मैं 2-3 दिन से लगभग ब्रेक लेके बैठी हुई हूँ। आप लोगों को जो रेगुलर वीडियोस मिलती है ना, वो मेरी बैकअप किसकी बैकअप में जो वीडियोस रहती हैं, मैं कई दिनों से गैप कर रही हूँ तो बैकअप वगैरह की वीडियो भी मिलती रहती है, तो वो सब मैं अपलोड करती रहती हूँ। और जो है अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल वीडियो शूट करने, आज 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ, 2 दिन के बाद। तो फाइनली आज मैं वीडियो शूट करूंगी और इसका बिहाइंड द सीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे, खाएंगे मटन मुर्गा। पहले रील बनाएंगे। हाँ पहले रील बनाएंगे बेटा, पहले रील ही बनाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे मटन। खाते हो बेटा? मटन नहीं खाता। मटन नहीं खाते? मुर्गा खाते हो? मुर्गा खाते हो? नखरे तो बहुत रहते तुम्हारे। मैं मछली भी खाता हूँ। हाँ मछली तो ना, मम्मी तो कहते भाई मछली में तो कहते मिर्चा नहीं डालो, ये नहीं डालो, वो नहीं डालो, इससे अच्छा तुमको दाल चावल ही खिलाते हैं, ऐसे होता है। हम नहीं कहते बेटा, मम्मी कहती ना तुम्हारी। चलो ठीक है, तो फिलहाल जो है अब हम जा रहे हैं रील्स बनाने। काबिल माँ तो अभी हम जा रहे हैं रील्स बनाएंगे, डांस करेंगे, डांस ये। और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, फिर आपको बिहाइंड द सीन भी शेयर करेंगे। करेंगे बाय बाय। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ तो चलो रुद्र को बाय कर दो। रुद्र आप भी बाय कर दो। हाँ बाय टाटा। बाय टाटा, सी यू, आई लव यू बोल दो सबको। आई लव यू। हाँ सब लोगों ने आई लव यू टू भी बोल दिया आपको। हम यू टू शूट कर रहे हैं। चलो अब इसको ऐसे टच कर दे इसको भी। हाँ चलो अभी हम लोग जा रहे हैं रील बनाने, ठीक है। इसके बाद खाना बनाएंगे, फिर खाना बना के आपको मिलते हैं टेबल पे। टेबल? हाँ टेबल पे मिलेंगे, खाना खूब सारा धर के। मैं भी इसी पे। तुम मेरा खाना नहीं देखना बेटा है, तुमको चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आ जाए, सुना सुना से बच्चा फिर पता चक्कर आ गया। मैं आपका खाना क्यों देखूं? मैं तो अपना खाना देखूंगा। हाँ तुम्हारा खाना इतना सा होगा, हमारा खाना बेटा तुमको पता नहीं है। क्या हमारा खाना पता नहीं कितना खाते हैं? नहीं मुझे नहीं पता, बताओ। नहीं नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं ठीक है बेटा मैं इतना खाती हूँ। मैं इतना खाता हूँ। अरे बोबरे, हम तो मैंने देखा ही है, थोड़ा सा ओरियो खा लेते हो, मम्मा पेट भर गया छोड़ देते हो आधा। ओरियो पसंद है ना? हाँ ओरियो पसंद। चलो हम लोग जा रहे हैं रील्स बनाने के लिए, ठीक है। इसको बेचैनी हो रही है, खलबली हो रही है, तो हम लोग रील्स बनाएंगे पहले, ठीक है। क्या हुआ? कहाँ क्या हो गया? देखो 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 उसमें देखो, ये ना ड्राई स्किन है बेटा, ड्राई स्किन है, डेड हो रही है। पहले हम लोग रील बनाए। हाँ हम लोग जा रहे हैं रील्स बनाने, चलो ठीक है। आप लोगों से मिलेंगे हम लोग खाना बनाने के बाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जिंदगी जिंदाबाद। रुद्र दीदी जिंदाबाद। चलो ठीक है हम लोग जा रहे हैं रील्स बनाने। बाय बाय टाटा, बाय टाटा, लव यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। तो गाइस फाइनली मैंने टेबल जो है सजा लिया है और माइक लगाना मैं भूल गई, माइक लेके आती हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने माइक लगा लिया है और अभी फ़िलहाल मुझे जो है अभिषेक सो रहा है तो उसके कमरे का फ़ैन ऑफ करना है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आती है इसमें, ठीक है। तो फ़िलहाल मैंने सब रेडी कर लिया है और यहाँ पे जगह नहीं है और आज कुत्ते नहीं भौंक रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि आज कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, पर काफ़ी लेट हो गया है वैसे, 11:14 हो रहा है। तो और ये जो है इसके लिए मुझे जगह नहीं मिल पा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किधर रखूँ, ऐसा कोपड़ी पे धर लूँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ रखूँ, पर ठीक है देखते हैं, इधर ही रख लेते हैं कहीं, ठीक है। तो फिलहाल जो है मैंने रेडी कर लिया है अपना पूरा सेटअप, भंडारा कह सकते हो आप इसको, ठीक है, कि मैं भंडारा करने बैठ चुकी हूँ, अकेले दावत पे आई हूँ और ये सारा अकेले ही मैं आज खाऊंगी।
चलिए फटाफट से, और मुझे इतनी लालच आ रही ना, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई है ना, मैं कंट्रोल कर रही हूँ बहुत देर से, ठीक है, मुझे बहुत देर से भूख लग रही है मुझे। मैं 2-3 घंटे पहले मैंने सोचा कि यार अब खा लूँ, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ जानबूझ के, ताकि मुझे और ज़्यादा जो है भूख लगे। तो अब बिल्कुल अत हो गई, तब मैं बैठी हूँ और मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लगी है। और यहाँ पर जो ग्रेवी है ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी है, हे भगवान, गिर गिर भी नहीं रही है, इतनी ज़्यादा गाढ़ी है ये, केवल उसका जो है ऑयल इधर उधर हिल रहा है, बाकी ग्रेवी हिल भी नहीं रही है, लग रहा जम गई है। तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी आज बनाई है मैंने, ठीक है। और ASMR की वीडियो में मैं ग्रेवी जो है काफ़ी ज़्यादा थिक बनाती हूँ, गाढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मज़ा तो आती है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, बट फैमिली के लिए जब बनता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी, अकेले के लिए तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी नहीं हो पाती है। और फैमिली के साथ पतला झोल ही अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, मुझे अपनी फैमिली के साथ खाना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, डिनर वगैरह खास करके। तो फिलहाल मैं यहाँ सेटअप रेडी करके बैठ चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ इसको शूट करने के लिए। अगर आपको इसका ASMR वीडियो देखना हो तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाके देखिएगा। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि सजा के रख दिया, खाया तो है नहीं आपने, तो मैं यहाँ नहीं खाती हूँ। मेरा एक और चैनल है ASMR, PSK ASMR, तो उस चैनल पे जो है मैं ईटिंग शो अपलोड करती हूँ। तो जिनको नहीं पता है वो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज़रूर देखें। और अब मैं जा रही हूँ इसको खाने, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खाना है, मैं देखती हूँ मैं कितना खा पाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना खा पाऊँगी कितना नहीं, ठीक है, पर कोशिश करूँगी। और बहुत सारे मच्छर उड़ रहे हैं, तो मैं रैकेट लेके आई हूँ, मैंने बहुत सारे मच्छरों को मारा, पर अब दिख नहीं रहे थे, और जैसे ही मैं बैठी हुई इधर उधर घूम रहे हैं सब, ठीक है। तो फिलहाल मुझे नींद थोड़ी थोड़ी आने लगी है, मैं जा रही हूँ फटाफट से खा के, बिल्कुल ठूंस के सो जाऊँगी मैं, ठीक है। तो मैं जा रही वीडियो शूट करने, और वीडियो शूट करने के बाद मैं आपको मिलूँगी सब खाने के बाद, उसके बाद आप देखना मेरी क्या हालत होती है, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि मेरी क्या हालत होती है। क्योंकि इतना खाने के बाद मैं ऐसे बस ऐसे पेट पकड़ के उठती हूँ। चलो फिर मैं खाना खा के आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं भी मैं ख़त्म कर पाऊँ पता नहीं, बट मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी हुई है, और मेरा मन करा बिल्कुल चाट के ख़त्म कर दूं। तो मिलती हूँ मैं आपको इसको वीडियो को शूट करने के बाद, इसका ASMR लिंक, इसको खाते हुए अगर आप मुझे देखना चाहते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी कुत्ते नहीं भौंक रहे, मैं फटाफट से खा लूँ, नहीं तो अभी भौंकना शुरू कर देगा। एक इसी का ना पालतू कुत्ता है, वो कंटिन्यूसली भौंकता रहता है, वो कंट्रोल में नहीं है, पता है, वो मालिक उसको संभाल नहीं पाता है। वो एक बार बाहर आया था, परसों कुछ आया था, तो उसकी जो मालकिन थी ना, वो संभाल नहीं पा रही थी, उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी, वो मेरे लांगड़ू को दौड़ा, मेरा लांगड़ू घर के सामने चुपचाप सो रहा था, जो स्ट्रीट डॉग है जिसको मैं खाना देती हूँ, भी बोन्स वगैरह बचती है ना वो ही खाता है, ठीक है। तो उसको जो है वो दौड़ा के ले गया, और मेरा लांगड़ू इतना इतना फट्टू है ना, वो एकदम किनारे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है ना, वहाँ पे गाड़ियों के नीचे जाके घुस गया, और मैंने उसको बोन्स दी हुई थी, वो खाना था उसको, लेकिन उसी टाइम पे बेवक्त आ गया वो डॉगी, तो वो जो है मालकिन उसको संभाल ही नहीं पा रही थी, वो मार रही थी डंडे से अपने डॉग्स को। एक चीज़ और है, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना फ्रस्ट्रेशन भी डॉग्स पे उतारते हैं, किसी बात का गुस्सा भी डॉग्स पे उतारते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो बहुत तेज़ से उसको डंडे से मार रही थी, और मेरा लांगड़ू चला गया चुपचाप उधर, यह भौंकना शुरू हो गया, ठीक है। और इससे पहले कि ये शुरू हो, मुझे ये वीडियो को जल्दी से शूट करके ख़त्म करना है, तो मैं आपको मिलूंगी वीडियो शूट करने के बाद, ठीक है। तो गाइज फाइनली मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, और भौंकना शुरू हो गया, शुक्र है मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई यार, क्योंकि अब ये रुकने वाले नहीं है, ये लगातार भौंकेंगे, मुझे पता है ना, युद्ध हो गया। अच्छा आज क्या हुआ ना, दो छोटी सी बच्चियां जो है जा रही थी दुकान पे, जा रही थी चिप्स लेने के लिए, ठीक है। तो बाहरी कुत्ता आया हुआ है, एक काले रंग का बाहरी कुत्ता, मोटा तगड़ा बिल्कुल ताज़ा है, खाता लांगड़ू है, मोटा वो हुए जा रहा है, पर उसने क्या किया ना, उन दोनों बच्चियों को दौड़ा लिया, और ये ऐसे बिल्कुल मुंह बाके आ गया, ऐसा लग रहा काटे देंगे, मतलब उसको कह रहा है, मैंने अपनी वीडियो पहले ही बना ली,
ये अब नहीं रुकने वाले, मुझे पता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कलेजी और ये फिश जो है छोड़ दी है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पेट इतना भर गया ना मेरा, मैं बोल ले रही हूँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा पेट अभी ना पता है ऐसे लग रहा है ना बिल्कुल टाइट सा हो गया है, बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है कि उठना मुश्किल है, ठीक है। तो ये कलेजी मैंने थोड़ी सी छोड़ दी, और यहाँ पे ये मैंने थोड़ा, देखो मच्छर वीडियो बनाने के दौरान मुझे ना तो कुत्तों ने परेशान किया आज, ना तो ये मच्छर थोड़ा बहुत घूम रहे थे वैसे, बट ठीक है चलता है, मैनेज हो जाएगा। मटन के जो पीसेस थे वो इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े, मुझे डाउट हो रहा है ये मटन ही था कि क्या था, इतने बड़े बड़े मटन के पीसेस थे। और चिकन लेग आपने देखा था ना कितना ज़्यादा था। थोड़ा सा लेट हो गया है रात में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लूँगी ना तो मुझे तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं कहीं टहल भी नहीं सकती जाके, क्योंकि बहुत रात हो गई है, और छत पे भी इस टाइम पे मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतनी रात में मेरी छत पे तो हालत ख़राब हो जाएगी, बाप रे कौन जाएगा, ठीक है। और बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते, तो टहल भी नहीं सकती मैं बिल्कुल भी, इसलिए मुझे अब सोना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ पे छोड़ दिया है। बाकी खाना इतना ज़्यादा मज़ेदार था, लजीज बना हुआ था, मुझे मज़ा आई। और आज कुत्तों ने कम भौंका तो इसलिए और भी मज़ा आई, कुत्तों ने कम क्या भौंका, भौंका ही नहीं बल्कि, पर ठीक था जो भी था। तो फिलहाल मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलूंगी।